अस्सलाम वालेकुम। आज आपको टेंडन ट्रांसफ़र जो रिस्ट ड्रॉप के लिए किए था उसके 2 वीक्स के बाद के रिज़ल्ट दिखा रहे हैं। सबसे पहले कुछ तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन से पहले हाथ बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है। उसमें सबसे पहली तस्वीर ये है जिसमें लेफ़्ट हैंड आप देख सकते हैं कि पेशेंट का बिल्कुल नीचे गिरा, वो उठा नहीं सकती उसको। सो आएँ अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं 2 वीक्स के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान है, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ मेरे हॉस्पिटल में। और जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले मैंने एक केस शेयर किया था जिसको हमने ऑपरेट किया था, बड़ी अच्छी ये हमारी पेशेंट है। सो हमें थोड़ा सा इशू सिर्फ ये होता है कि जब हम इस तरह की सोफिस्टिकेटेड या बड़ी एडवांस्ड सर्जरीज करते हैं तो उसके बाद हमें मरीजों के साथ फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और ये सारे कुछ इशूज आते हैं। सो बिकॉज पीपल जो हैं काफ़ी रिमोट एरियाज से होते हैं और हम काफ़ी इश्यूज में इसमें रहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। अब ये बच्ची जब हमारे पास आई तो ये इसका हाथ यूं था, रिस्ट ड्रॉप था जिसको नस इसकी ख़त्म हो गई थी क्योंकि इसने टीका लगवाया था। तो बेटा कितना कितने साल, 1.5 साल हो गया था आपको, 1 साल से ज़्यादा हो गया था। तो साल इसको हो गया था, इसका हाथ, पहले आपका हाथ किस तरह था ये वाला, मेरे पास तस्वीरें भी हैं, पर गिरा हुआ था नीचे, गिरा हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के 2 वीक्स के बाद ही आई हैं, मैंने स्टिच रिमूव की हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी दिखाऊंगा, बेसिकली जो प्रोटोकॉल होता है, अब इसका हाथ माशाल्लाह यूं है, अब फिजियोथेरेपी होगी और चीजें मजीद बेहतर होंगी। क्या क्या नहीं होता था, अंगूठा ऊपर होता था, उंगलियों ऊपर होती थी, कलाई ऐसे तो नहीं थी गिरी हुई थी। सो अब आप देखिएगा क्या है, उंगलियां बंद करो, फुल बंद, फुल, अभी स्टिफनेस है, आहिस्ते आहिस्ते अब उठाओ उंगलियां, ये उंगलियां अब आप देख सकते, बंद करो उंगलियां उठाओ। सो नाउ वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह के एक टेंडन ये सक्सेसफुल, अंगूठा बंद करो उठाओ, और अंगूठे की मूवमेंट भी EPL जो हमने तीसरा ट्रांसफर किया, अब हमारी रिस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है। सो जब अब हम फिजियो करेंगे और ये माशाल्लाह अपनी रिस्ट भी उठाएगी, सो अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक्स के अंदर अंदर जो हमारी अचीवमेंट है और स्टिचेस भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए। बंद करो उंगलियां, मैं ये देखें पूरी बंद भी करता हूँ, अब उठाओ, सो बंद करो उठाओ उठाओ, शाबाश खोलो, शाबाश अंगूठा बंद करो उठाओ, और ये कलाई भी इसकी बिल्कुल इस पोजीशन में। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जो रेडियल नर्व इसकी इंजर हुई थी उसके बाद हमने टेंडन ट्रांसफर किया है, अब इसकी मूवमेंट्स वापस आई हैं। अब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा आपसे आज से 4 वीक्स के बाद, जब अब हमारा अगला प्रोटोकॉल होता है रात के वक्त हम स्प्लिंट देते हैं, रात के वक्त पहन लीजिए और बाकी वर्जिश कर दीजिए। हमारी कोशिश होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया हमें कुछ इश्यूज होते हैं, पेशेंट इतने एजुकेटेड नहीं होते और हमें फिजियोथेरेपी और पोस्ट और बड़ी केयर करनी पड़ती पेशेंट से क्लोज कॉन्टेक्ट रख के। सो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मजीद बेहतरी के साथ अगली वीडियोज भी अपलोड की जाएगी। थैंक यू सो मच।